नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का मेंस प्रारंभ और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा सामान्य अध्ययन का, जनरल जीएस पेपर वन। ठीक है, और जीएस पेपर वन में हम लोग पढ़ गए आपका सेक्शन टू, आपका करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है 63वां बीपीएससी मेंस का 2019 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। रोहिंग्या शरणार्थी संकट की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए और इस संकट की उत्पत्ति एवं समाधान में म्यांमार, चीन, भारत एवं बांग्लादेश की भूमिका का वर्णन कीजिए। रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में मानवाधिकारों के हनन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। रोहिंग्या शरणार्थी संकट की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए और इस संकट की उत्पत्ति समाधान में म्यांमार, चीन, भारत एवं बांग्लादेश की भूमिका का वर्णन कीजिए। रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में मानवाधिकारों के हनन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यह आपका 63वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। तो रोहिंग्या समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्यंत जटिल शरणार्थी समस्या के रूप में उभरी है। रोहिंग्या समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्यंत जटिल शरणार्थी समस्या के रूप में उभरी है और इसमें मानवाधिकार हनन, राजविहीनता, स्टेटलेसनेस आदि पक्ष शामिल है। ठीक है, रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन अराकान क्षेत्र के निवासी हैं तथा ये 7वीं शताब्दी में अराकान क्षेत्र में रहने वाले अरब मुगल तथा बंगाली व्यापारियों के वंशज हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में म्यांमार पर ब्रिटिश नियंत्रण के बाद रोहिंग्यों की वफादारी अंग्रेजों के प्रति थी तथा 1947 में इन्होंने एक सेना का गठन कर जिन्ना से उत्तरी अराकान क्षेत्र का पूर्वी पाकिस्तान विलय करने को कहा। माना जाता है कि इनके इसी कार्य ने इनके एवं म्यांमार सरकार के बीच समस्या के बीच वो दिन आज है बीच बो दिए। ठीक है, तो माना जाता है कि इनके इसी कार्य ने इनके एवं म्यांमार सरकार के बीच समस्या के बीच बो दिए और 1948 में म्यांमार की स्वतंत्रता के बाद बौद्ध अधिकारियों ने ऐसी नीतियां बनाने शुरू कर दी जिन्हें मुस्लिम समुदाय भेदभाव पूर्ण मानता था। 1962 में सैन्य शासन की स्थापना से पूर्व इन्हें म्यांमार की राष्ट्रीयता प्राप्ति तथा संसद, मंत्रिमंडल व अन्य उच्च सरकारी पदों पर इनकी भागीदारी थी। तो 1962 में सैन्य शासन की स्थापना से पूर्व इन्हें म्यांमार की राष्ट्रीयता प्राप्ति तथा संसद, मंत्रिमंडल एवं अन्य उच्च सरकारी पदों पर इनकी भागीदारी थी। किंतु बाद में 1982 के नागरिक कानून में जो सैन्य शासकों द्वारा बनाया गया और इन्हें गैर राष्ट्रीय तथा विदेशी घोषित कर दिया गया जातीय संहार से बचने के लिए बड़ी संख्या में रोहिंग्या म्यांमार छोड़कर पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, थाईलैंड व मलेशिया जैसे देशों में रह रहे संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार देश छोड़ने वाले रोहिंग्या लगभग 130,000 हैं। ठीक है, रोहिंग्या शरणार्थी संकट की उत्पत्ति एवं समाधान में म्यांमार, चीन, भारत व बांग्लादेश की भूमिका क्या है। तो रोहिंग्या शरणार्थी संकट की उत्पत्ति एवं समाधान में म्यांमार, चीन, भारत व बांग्लादेश की भूमिका तो म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है जबकि रोहिंग्यों को मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी माना जाता है। हालांकि लंबे समय से वे म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते आ रहे हैं और बौद्धों का मानना यह है कि बांग्लादेश से भागकर आए रोहिंग्यों को वापस वहीं चले जाना चाहिए। ठीक है, रोहिंग्याओं और बौद्धों के बीच होने वाले छिटपुट टकराव को हवा तब मिली जब वर्ष 2012 में रखाइन प्रांत में हुए भीषण दंगों में लगभग 200 लोग मारे गए जिनमें ज़्यादातर रोहिंग्या मुसलमान थे और ये दंगे अगस्त 2015 में तब शुरू हुए जब एक बौद्ध महिला को बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और इसका इल्ज़ाम 3 रोहिंग्यों पर लगाया गया। ठीक है, तो रोहिंग्यों और बौद्धों के बीच होने वाले छिटपुट टकराव का हवा जब तब मिली जब वर्ष 2012 में रखाइन प्रांत में हुए भीषण दंगों में लगभग 200 लोग मारे गए जिनमें
ज़्यादातर रोहिंग्या मुसलमान थे, और ये दंगे अगस्त 2015 में तब शुरू हुआ जब एक बौद्ध महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और इसका इल्जाम 3 रोहिंग्यों पर लगाया गया। इसके बाद तो अल्पसंख्यक रोहिंग्यों और बहुसंख्यक बौद्धों के बीच कई बार हिंसक टकराव हुआ, लेकिन ज़्यादातर जान गंवाने वाले रोहिंग्या ही बताए जाते हैं। म्यांमार के सुरक्षा बलों ने भी जब इन्हें सताना शुरू कर दिया तो इनके लिए म्यांमार में रहना कठिन हो गया। ये था आपका चीन में, तो चीन में जो आपका रोहिंग्या मुस्लिम समस्या पर चीन ने 3 चरणों का प्रस्ताव रखकर उसको क्रियान्वित करने का म्यांमार और बांग्लादेश से अनुरोध किया, और यह प्रस्ताव रखाई प्रांत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, जहां से 6 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान भागकर बांग्लादेश गए, और यह प्रस्ताव 51 एशियाई और यूरोपीय देशों के राजनयिकों की बैठक के दौरान रखा गया। ठीक है, तो चीन में इसका क्या काम था, चीन ने प्रस्ताव रखा कि रोहिंग्या मुस्लिम समस्या पर चीन ने 3 चरणों का प्रस्ताव रखकर उसको क्रियान्वित करने का म्यांमार और बांग्लादेश से अनुरोध किया, और यह प्रस्ताव रखाइन प्रांत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, जहां से 6 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान भागकर बांग्लादेश गए, और यह प्रस्ताव 51 एशियाई और यूरोपीय देशों के राजनयिकों की बैठक के दौरान रखा गया। बांग्लादेश का दौरा करने के बाद म्यांमार पहुंचे चीन के विदेशी मंत्री वांग यी ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए दोनों संबंध देशों को मिलजुल कर काम करना जरूरी है, और उनके सुझाए मसौदे के तहत पहले चरण में शांति स्थापित करनी होगी जिससे लोगों के मन में विश्वास पैदा हो और कानून व्यवस्था स्थापित हो। वांग यी के अनुसार जब स्थापित हो जाए तब दोनों देशों को मिलकर शरणार्थियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। तीसरे चरण में गरीबी की समस्या को दूर करने के प्रयास करने होंगे, जो विस्थापन की समस्या की सबसे बड़ी वजह होती है। भारत तो किसी तरह सीमा पार कर भारत में बड़ी संख्या में रोहिंग्या आ बसे हैं। भारत में इनकी कुल संख्या 10 से 12 हज़ार बताई जाती है। हालांकि गृह मंत्रालय के पास जो अन्य आंकड़े मौजूद है उनके अनुसार भारत में रह रहे रोहिंग्यों की लगभग संख्या जो 40,000 है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय देश में पहले से मौजूद रोहिंग्यों को म्यांमार वापस भेजने के लिए कमर कस चुका है। भारत ने 1951 के यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल के पर हस्ताक्षर नहीं किए। दरअसल इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले देश की यह कानूनी बाध्यता हो जाती है कि वह शरणार्थियों की मदद करेगा। इसी की वजह से वर्तमान में भारत के पास कोई राष्ट्रीय शरणार्थी नीति नहीं है, लिहाजा शरणार्थियों की वैधानिक स्थिति बहुत अनिश्चित है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विरुद्ध है। जहाँ एक और भारत में शरणार्थियों की हिफाजत की ऐतिहासिक परंपरा रही, वही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र दक्षिण एशिया की एक प्रमुख शक्ति के तौर पर भारत को म्यांमार छोड़कर भाग रहे रोहिंग्यों को अपने यहाँ शरण देनी चाहिए। दिल होगी 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के आरंभ में भारत ने म्यांमार से आने वाले हजारों शरणार्थियों का स्वागत किया था। तब नई दिल्ली ने न केवल उनके भोजन और आश्रय जैसे बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखा था, बल्कि म्यांमार में उनके लोकतांत्रिक आंदोलन को जारी रखने के लिए आवश्यक सहायता भी प्रदान की थी। ठीक है, विदित होकी रखाइन राज्य में निरंतर जारी हिंसा के कारण दक्षिण पश्चिम म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर में परिवहन ढांचे के विकास के उद्देश्य से आरंभ की गई कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसे परियोजनाएं पूरी तरह प्रभावित हो रही है। जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा म्यांमार सरकार पर हिंसा खत्म करने और रोहिंग्या समस्या के समाधान के दबाव बनाया जा रहा है तो भारत द्वारा इनकी अनदेखी करना एक बुद्धिमान राजनीतिक कदम नहीं होगा। ठीक है, यूरोप अमेरिका में शरणार्थियों के कारण सुरक्षा व्यवस्था को आज गंभीर खतरा है, और कुछ हद तक उग्र दक्षिणपंथी प्रतिक्रियाओं का कारण भी यही है। ऐसे में भारत को अपनी शरण देने की परंपरा के नाम पर देश की सुरक्षा और अखंडता को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। प्रारंभ में सरकार ने कुछ रोहिंग्यों को समायोजित करने का प्रयास किया, लेकिन उसके तुरंत बाद इस उस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गया है, और इसका उदाहरण जम्मू है। साथ ही यदि रोहिंग्या भारत में बसते हैं तो असहाय और बेरोजगार युवा रोहिंग्या पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI और अंतर्राष्ट्रीय जिहादी संगठनों जैसे कि अलकायदा तथा अन्य लोगों के लिए आसान शिकार होगा। ठीक है,
रोहिंग्या मुसलमान को वापस म्यांमार भेजने के लिए केंद्र सरकार के हालिया कदम का विरोध करते हुए दो रोहिंग्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने 40,000 से अधिक रोहिंग्यों के वापस भेजने की योजना बनाई है। न्यायालय अब इस मामले में सुनवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस संबंध में नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ठीक है, याचिका दायर करने वालों ने अपनी दलील में कहा है कि सरकार का उन्हें वापस भेजने का फैसला संविधान के मूल्य के खिलाफ है। चाहे कोई भारत का नागरिक हो या ना हो, भारत का संविधान प्रत्येक इंसान को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और रोहिंग्यों को यदि इस समय म्यांमार भेजा जाता है तो वहाँ सेना द्वारा इन्हें मार दिया जाएगा। याचिका में कहा गया कि उन्हें वापस भेजने का प्रस्ताव भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, आर्टिकल 21 जीने और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार और आर्टिकल 51 सी के प्रावधानों की उल्लंघन करता है। आर्टिकल 51 सी में अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों के दायित्वों के अनुपालन का जिक्र किया गया है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते भारत का यह दायित्व बनता है कि वह संकटग्रस्त लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखें और जिसे शरणार्थियों को शरण देने की अनुमति दे दी गई है। अब बाकायदा वैधानिक दस्तावेज मुहैया कराए जाए ताकि वह सामान्य ढंग से जीवन यापन कर सके। हालांकि देश हित सर्वोपरि होता है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। शरणार्थियों के कारण संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न होती है। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहिंग्याओं को म्यांमार में वापस भेजेगी कैसे और म्यांमार उन्हें वापस क्यों लेगा क्यों। ठीक है, हालांकि जून 2018 को भारत सरकार ने 7 रोहिंग्याओं को म्यांमार की सीमा पर वहां के अधिकारी को सौंप दिया था। अतः परिस्थितियों को देखते हुए शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने से ज़्यादा उचित एक पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था का निर्माण करना है ताकि शरणार्थियों का प्रबंधन ठीक से हो सके। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों ने शरण ली हुई है और जनवरी 2018 में शरणार्थियों के मुद्दे पर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच आपसी सहमति बन गई है। ठीक है, और दोनों ही देश 6,50,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को फिर से अपने देश पर स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया और दोनों देशों के बीच करार हुआ कि शरणार्थियों की समस्या को अब खत्म किया जाए और उन्हें एक बार फिर से बसाया जाए। इस करार के अनुसार बांग्लादेश इसके लिए 5 ट्रांजिट कैंप बनाएगा, जहां शुरुआत में 2 रिसेप्शन सेंटर पर म्यांमार की ओर से आने वाले शरणार्थियों का स्वागत किया जाएगा और म्यांमार इन लोगों की अस्थायी रूप से लाफोकुंग में शरण देगा और जो लोग वापस आएंगे उनके लिए घर बनवाएगा। वही म्यांमार उन लोगों को फिर से बसाएगा जो अपने घरों से बेघर हो गए थे। दोनों ही देशों ने इन शरणार्थियों की पहचान के लिए एक फॉर्म भरवाने का फैसला किया है और इस समस्या के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए, किसी वजह से अकेले रह गए, उनके लिए भी इंतजाम किया जाएगा। रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में मानवाधिकारों के हनन की समस्या, तो रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में मानवाधिकारों के हनन की समस्या एक अत्यंत जटिल समस्या है। पिछले कुछ वर्षों में पूरा विश्व शरणार्थी संकट से जूझ रहा है। कुछ समय पहले समुद्र तट पर औंधे मुंह लाल रंग की टी शर्ट और ब्लू शर्ट पहने 3 वर्षीय जो मासूम हाईलैंड कुर्दी की तस्वीर जब दुनिया का सामने आई तो यह शरणार्थी संकट का प्रतीक बन गई और दुनिया भर में इसकी भर्त्सना की गई। और इस संदर्भ में मानवाधिकारों के हनन की समस्या पर निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। म्यांमार के विस्थापित मुस्लिम रोहिंग्या समुदाय जाति हिंसा एवं सैनिक कार्रवाई से बचने के लिए म्यांमार से भागे हैं और अन्य देशों द्वारा शरण न दिए जाने का कारण या तो ये मानव तस्करों के हाथ लग जाते हैं या समुद्र में ही भटक कर रहते हैं। समुद्र में नाव में फंसे इन लोगों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने मानव आपदा की चेतावनी दी है। वर्तमान में इस समुदाय के लोगों के खिलाफ हुई हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताते हुए कहा कि ये दुनिया के सबसे प्रताड़ित लोगों में से है और म्यांमार में सदियों से रहते आ रहे रोहिंग्या को वहाँ की नागरिकता से वंचित कर उन्हें राजविहीन बना दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि म्यांमार में सुरक्षा बलों द्वारा रोहिंग्यों का सामूहिक बलात्कार और फिर उनकी हत्या की जा रही है। ठीक है, रोहिंग्यों को म्यांमार में भेदभाव का शिकार होना पड़ा है और इस कारण म्यांमार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जहां उन्हें निकृष्ट समझा जाता है। म्यांमार की विदेश मंत्री आंग सान सू की का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, परंतु आंग सान सू की इस मुद्दे पर राजनीतिक कारणों से मौन रही है। यही कारण है कि कनाडा सरकार ने इनसे अपनी मानद नागरिकता की उपाधि वापस ले ली है। मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उन देशों के नागरिकों से भी संबंधित है
जो देश पहले से ही गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बेरोजगारी जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि ऐसे देश हैं जो शरणार्थियों के कारण होने वाले आर्थिक दबाव से पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या है? तो इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कार्य करना चाहिए, जिनसे मानवीय गरिमा, मानवाधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अनुरूप नीति का विकास कर लोगों की मदद की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रक्षा की जिम्मेदारी के सिद्धांत के तहत जो है म्यांमार सरकार पर अपने लोगों की रक्षा के लिए दबाव डाल सकता है। रोहिंग्या शरणार्थी समस्या के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय अनेक प्रयास कर सकते हैं, जैसे इस समुदाय के शैक्षिक वापसी, जिसके अंतर्गत शरणार्थी जो सुरक्षित एवं स्वेच्छापूर्वक अपने मूल देश वापस जा सकते हैं। स्थानीय एकीकरण, जिसके माध्यम से शरणार्थी स्थानीय समाज के सदस्य बन सकते हैं। पुनर्वास, जिसके अंतर्गत शरणार्थियों को स्थायी रूप से किसी देश में बसाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रक्षा की जिम्मेदारी इस सिद्धांत को लागू तो करना चाहता, किंतु म्यांमार सरकार इससे में सहयोग नहीं दे रही है। और इस क्वेश्चन को करने का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो रोहिंग्या शरणार्थी संकट की विवेचना करना है। रोहिंग्या शरणार्थी संकट का ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है? रोहिंग्या शरणार्थी संकट की उत्पत्ति एवं समाधान में म्यांमार, चीन, भारत व बांग्लादेश की भूमिका क्या थी? राजविहीनता, शरणार्थी समस्या, मानव तस्करों से संबंधित, मानवाधिकार संबंधित समस्या और रोहिंग्या शरणार्थी संकट के संक्षेप में समाधान के प्रयास। तो इस प्रकार देखा हमने लिए आज का वीडियो। तो आज के लिए बस नहीं, कल हमारा क्वेश्चन मेरिट होगा। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।